वो क्या है ना, मैं किरण से मिलने जा रहा हूँ, बल्कि वो मुझे बोल रही थी कि तुम उससे जलती हो और उसकी खुशी तुमसे देखी नहीं जाती। बकवास मत करो अमन, ना ही वो तुमसे ऐसा कुछ कह सकती है, ना ही कभी ऐसा कहेगी, और ना ही मिलने आएगी वो तुमसे। चले ठीक है, आप ना माने, आपका ना मानना ही मेरे हक में बेहतर है, बल्कि बेहतरीन है। खुदा हाफिज। रोशनी? हाँ बेटा, क्या हुआ, सब खैरियत है? जी अम्मी, सब कुछ ठीक है। वो एक्चुअली मुझे किरण से बात करनी थी, आप प्लीज मेरी उससे बात करवा दें। अरे बेटा, वो तो अपने किसी दोस्त के साथ गई है अभी उसके घर। क्यों, क्या बात है? सब खैरियत तो है ना? अब कब से गई है? अभी अभी थोड़ी देर हुई है निकली है। बेटा तुम तो सुबह उससे मिलकर गई हो, फिर ऐसा क्या काम पड़ गया? अरे वो बस ऐसे उसे दिल करा था बात करने का। आप रखिए, मैं उसे खुद फोन कर लेती हूँ। रोशनी भाभी की तरह सोच रही हो, लेकिन मेरा यकीन करो, तुम्हारे साथ कुछ गलत करने का सोच भी नहीं सकता। तो फिर रोशनी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो अब भी मुझ पे भरोसा नहीं करती। और हाँ, होगा भी कैसे, मैंने हमेशा हरकतें ही गलत की, लेकिन अब जब मैं बदल गया हूँ और सब कुछ ठीक करना चाह रहा हूँ, तो वो मेरा साथ क्यों नहीं दे रही? तुम्हारी खामोशी मुझे सब समझा रही है किरण, मैं वाकई तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं हूँ। तुम्हारी बहन ठीक कहती है, तुम्हें मुझसे नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं कहा अमान। तुम ना कहो, लेकिन ये अब मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब यकीन हो गया कि बुरे को बुरा कहने वाले हजार होते हैं, लेकिन अच्छा कहने वाले बहुत कम, बल्कि होते ही नहीं है। लेकिन मैं रोशनी भाभी का इल्जाम अपने सर नहीं ले सकता। लेकिन रोशनी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ये रोशनी का बड़ापन है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने तुम्हें मुझसे मिलने से रोका। तो अब इसीलिए मैं भी तुमसे नहीं मिलना चाहूंगा, क्योंकि बुरे इंसानों के नसीब में अच्छे लोगों की दोस्ती होती नहीं। नहीं अमान, तुम बुरे इंसान नहीं हो, इंसान है। और तुमने जो कुछ भी किया वो तुम्हारा माजी था, अब तुम खुद को बदल रहे हो, तुम चेंज हो रहे हो। अगर रोशनी या कोई और तुम्हारे माजी को लेकर कोई भी बात करना चाहते हैं, तो वो उनकी गलती, तुम्हारी नहीं है। लेकिन गलती फिर भी मेरी ही है किरण। अब मैं तुमसे वाकई नहीं मिलूंगा, बस यही कहने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। बेटा, देखो अजरा, ऐसा अच्छा रिश्ता लाई हूँ मैं, चराग लेके ढूंढोगी भी ना तो नहीं मिलेगा। तुम कहो तो मैं कल ही बुला लेती हूँ। लेकिन 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 क्या? बस बहन, हमें तो सब कुछ मालूम है, लोग रोशनी के बारे में कैसे बातें बना रहे हैं। देखो बहन, मैं फिर नहीं चाहती कोई ऐसी बात हो, तुम जरा किरण बेटी से बात कर लो। तुम फिक्र मत करो, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। और रोशनी के वक्त में भी जो कुछ हुआ उसमें रोशनी का कोई कसूर नहीं था। साफ बात यह है, मैं बार बार बदनामी बोल नहीं ले सकती, आखिर लोग क्या कहेंगे,
कैसे रिश्ते करवाती है। अरे कुलसुम बहन तुम फिक्र मत करो, मैं किरण से बात कर लूंगी, अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ बस तुम इस बात की तसल्ली दे दो, बाकी काम मेरा है। रिश्ता ऐसा है तुम याद करोगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कुलसुम बहन, तुमने मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा। मेरा मतलब है कि तुमने कहा है कि अच्छा है तो अच्छा ही होगा ना। हाँ हाँ तुम बेफिक्र हो जाओ। तर्स खाकर मेरे ये सब काम करती हो तो उसकी जरूरत नहीं है रोशनी। अगर मेरे दोनों हाथ नहीं भी होंगे ना तब भी मैं नहीं चाहूंगा कि तुम मुझ पर तरस खाओ। क्या मतलब है ऐसा? मैंने आपसे ऐसा कभी नहीं कहा। और मैं आप पे तरस क्यों खाऊंगी? आप अच्छे भले तो हैं। हैरत है रोशनी, कोई इतना चालाक भी हो सकता है? बहरहाल मैं किसी बात की वजाहत नहीं चाहता। जो तुमने किया मैंने देख लिया और तुमने कुछ गलत भी नहीं किया। मैं अपनी कमजोरी को अच्छी तरह जानता हूं और उसके साथ जीने की आदत हो चुकी है मुझे। तुमने जो ताना दिया है वो मुझे बुरा नहीं लगा। मैंने कोई ताना नहीं दिया साम, मैंने क्या कहा है? मैंने कहा ना रोशनी, मैंने बुरा नहीं बोला। अब अगर तुम्हें खुद पर तरस खाने से रोक रहा हूं तो ये मेरा हक है। हाँ बता, एक बात तुम्हें जरूर याद रखना चाहता हूं। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं और तुमने ये कहा था कि हम साथ हैं। मुझे आपके साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है साम, आज भी उस बात पर कायम। शायद ऐसा हो, अगर ये बात तुम SMS पर लिखने की बजाय मेरे सामने मेरे मुंह पर करती तो शायद मुझे बुरा ना लगता। क्या कर रहे? तुम्हारा इंतजार। मैं उससे इसलिए मिलने के लिए गई थी ताकि मैं उसको बता सकूं कि हमारा मिलना ठीक नहीं है, और रही बात दोस्ती की तो हमारी दोस्ती भी बेहतर नहीं है। फिर कह दिया तुमने उसे? नहीं। तो फिर तुमने क्या कहा उसे? मैंने तो उससे कुछ नहीं कहा, वो ही कह जा रहा था, मैं तो सिर्फ सुन रही थी। उसने कहा कि सारे दोस्त उसके नाराज हैं उससे और अब वो सब उस पर ट्रस्ट भी नहीं करेंगे। हाँ तो सही कहा ना उसने, वो शख्स अब भरोसे के काबिल है भी नहीं। नहीं मैं उससे मिलकर आई हूँ, मुझे पता है वो बदल चुका है। उसने मुझसे रोशनी के खिलाफ भी कोई बात नहीं की। ओहो, एक तो तुम्हें पता नहीं क्यों उस शख्स पे इतना तरस आ रहा है। अगर रोशनी कुछ कह रही है तो कुछ सोच समझ के कह रही होगी। एनीवेज अच्छा हुआ उस फितने से जान छूटी हमारी।
क्या चाहते हो? मां क्यों पड़े हो मेरे पीछे? बस मैं कॉल बैक कर रहा हूं। क्या हुआ? मैंने क्या कर दिया? ओ मुझे आपकी कसम है भाभी जान, मैंने किरण से कुछ नहीं कहा, उल्टा उसने मुझसे कहा कि आपसे उसकी खुशी देखी नहीं जाती और आपसे उसकी खुशी बर्दाश्त ही नहीं। अरे यकीन करें, किरण की नहीं हसाम की बात करी। तुमने हसाम को मेरे फोन से मैसेज क्यों किया? मैं क्यों करूंगा? आप दोनों मियां बीवी का मामला है इसमें। झूठ मत बोलो। हसाम ने मुझसे खुद कहा है कि उनको मैंने मैसेज किया। मैंने तो नहीं किया, मेरा फोन उस वक्त कमरे में था और तुम वहां मौजूद थे। तुम्हारे अलावा ये घटिया हरकत और कौन कर सकता है? मैं आपसे कह तो रहा हूँ भाभी जान, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात का यकीन करें। मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानती हूँ अमन, तुम्हारे अलावा ये घटिया हरकत और कोई नहीं कर सकता। जानती तो नहीं है आप? अगर जानती होती ना तो मेरे मध्य नहीं लगती। अब जाओ और जाकर अपने उस शौहर को अपनी वफाओं का सबूत दो और बताओ उसे कि तुम्हें उसके टूटे हाथ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तुम कर लो जो तुम कर सकते हो, मैं भी देखती हूँ तुम्हारी कोशिश कहाँ तक काम है। तुम अपनी वार करो, मैं अपना सबर आजमाऊं। ठीक ही तो कह रही हूँ, ये आजमाइश ही तो है तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। अब देखना यह है कि कौन कामयाब होता है। पानी लाओ। कैसे होते होंगे वो घर जहाँ पर अगर किसी एक का आंसू भी टपका तो सबके दिल पर असर होता होगा। यहाँ तो सबको अपनी अपनी पड़ी है, सुनी की तो किसी को परवाह भी नहीं। देखो एग्जाम सर पे हैं, तुम्हें पढ़ना चाहिए और वैसे भी जो हो चुका उस पे परेशान होने से कुछ बदलेगा नहीं। हमारे फाइनल्स आ गए हैं, तुम्हें मुझे तो रह कर बस रोशनी का ख्याल आ रहा है। जब से वो इस घर में आई है ना, उन्होंने कोई खुशी देखी ही नहीं। सब उन्हें बुरा ही समझते हैं, शक की निगाह से देखते हैं। कोई तो वजह होगी ना जारा, बिला वजह कोई किसी को क्यों नापसंद करेगा? कभी कभार नफरत की कोई वजह नहीं होती, तुम तो वजह जानती हो। मैं तो हर हाल में खुश रहती हूँ, पता नहीं सब क्यों नहीं ऐसा करते। बहुत अपसेट हो गई हूँ यार। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी परेशानी की वजह कुछ और ही है, ये सब तो तुम्हारे घर में शुरू से ही हो रहा है। मैं क्यों किसी और की वजह से परेशान होने लगी? कहीं राहिल तो नहीं? तुम्हें क्या पता था कि वो किसी और से कमिटेड हो जाएगा? तुम तो उससे मोहब्बत करने लगी थी ना। हाँ शायद, लेकिन कोई बात नहीं, वो मेरी किस्मत में नहीं था। तो तुमने राहिल से पूछा या किसी और से पता किया? मैं क्यों पूछूं, जो भी होगा खुद ही सामने आ जाएगा। ये ना हो कि जब तक सब कुछ सामने आए देर हो जाए और वो किसी और में इंटरेस्टेड हो जाए। देखो अभी पता लगा लो, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि तुम्हारी भाभी झूठ बोल रही है। वो चाहती नहीं है कि तुम उनके घर में आओ। मैं भुगत चुकी हूँ, तुम्हें पता है कि मैं भुगत चुकी हूँ, मैं इसीलिए समझा रही हूँ। अभी पता कर लो इससे पहले कि देर हो जाए।